सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाई हैव सम रिसोर्सेज बीइंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि वो खत्म हो चुके हैं. अब ये रिसोर्सेज जो हैं हमें देखने को नहीं मिलेंगे. पूरी दुनिया में ढूंढते रहो ये रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे. दैट रिसोर्सेज आर नोन एज एक्सटिंक्ट रिसोर्सेज. तो अब ये जो एक्सटिंक्ट रिसोर्सेज हैं ये मतलब एक्सटिंक्ट हुए कैसे. तो एनी रिसोर्स बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन when the rate of extraction is greater than the rate of regeneration. क्या मतलब है इसका. इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना दैट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन पावर कोई भी एक रिसोर्स है ना. कोई भी अगर मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो एनी रिसोर्स हैव अ रीजनरेशन पावर. रीजनरेशन पावर की वो अपने आप को खुद दोबारा बनाने की उसमें पावर होती है. अब वो कितना टाइम लग सकता है किसी रिसोर्स को. एक साल भी लग सकता है. किसी को 1 मिलियन ईयर भी लग सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स. एंड जब हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन उसके रेट ऑफ रीजनरेशन से ज़्यादा हो जाता है कि हमने 1 मिलियन साल लगता है उस रिसोर्स को बनने में एंड हमने कितने हमने 100 साल में ही वो सारा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिया. तो अब उसको रीजनरेट होने में दोबारा 1 मिलियन साल लगेगा. तो उस केस में वो रिसोर्स एक्सटिंक्ट हो जाता है. अब हमें वो देखने को नहीं मिलता जब तक अब वो दोबारा से कभी जाके 100 हजारों सालों में जाके रीजनरेट होए ना होए पता नहीं. ठीक है. बट हम क्या करते हैं हम उसको पहले ही सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उस रिसोर्स को. इन दैट केस द रिसोर्स बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. उसके रिसोर्स के रीजनरेशन रेट से ज़्यादा जब हमारा ह्यूमन बीइंग्स का एक्सट्रैक्शन रेट हो जाता है देन द रिसोर्स बिकम एक्सटिंक्ट.